हमें और भी भैया पंजाब के छपरी बल्लेबाजो छपरी कप्तान, तुम हमारी गुजरात टीम से मैच में जीतने चले थे, डिफेंडिंग चैंपियन थे दसरी का, तुम्हारी डूब गई ना नैया, शुभम गिल और मोहित शर्मा ने डुबा दी तुम्हारी नैया, अब कैसा हाल है तुम्हारा लगातार दो हार होने के बाद में भूटनी के, हमें डुबा दी हमने तो पंजाब की नैया डुबा दी, हमको तो किसी ने नहीं खरीदा, हम तो नेट बॉलर बन चुके थे तब हमको गुजरात ने भरोसा दिखाया, गुजरात ने खरीदा, हमने तो पंजाब की नैया डुबा दी, दो दो विकेट वह चटकाए, चार ओवरों में 18 रन दिए, पहला विकेट वह शाहरुख खान और दूसरा विकेट हमने 18 करोड़ के सेम क्रम का, हमें हार गए हम तो दो दो मैच में लगातार हार गए, हमको चिमटा दीदी छोड़ेंगे नहीं, पहला मैच में हैदराबाद से 8 विकेट, दूसरा मैच में कल गुजरात से 6 विकेट से हमारी तो पूरी नैया डुबा दी, पहले गिल ने बल्लेबाजी और मोहित शर्मा की गेंदबाजी के आगे हमारी टीम ने घुटने टेक दिए, मैच में हार गई, हमें कहा धवनवा तुम जचड़ी के दो दो मैच में जीत करके बहुत बाहुबली कप्तान बनने चले थे, अब दो मैच में लगातार हारने के बाद फुसम फुस हो गए, भूटनी का कप्तानी करना कोई आसान काम नहीं होता, जल्दी का बहुत हमारे मजे ले रहे थे, जब हम मैच में दो दो हार गए थे लगातार, अब तुम हार गए भूटनी के, क्या हाल है तुम्हारे, हमें रोहित भाई पंजाब का हाल क्या होगा, बहुत ही खराब हाल कर दिया, जो हमने सीएसके और दिल्ली का हाल किया था वही हमने पंजाब का हाल कर दिया, सीएसके को 5 विकेट से और हमने दिल्ली को 6 विकेट से हराया था, उसी तरीके से हमने पंजाब को भी 6 विकेट से हरा करके लुल कर दिया, हमें देख लिया पंजाब के खिलाड़ियों हमारी बल्लेबाजी का कमाल, किसी ने 50 नहीं ठोक भाई, हमने तो 67 रन ठोक करके अपनी टीम को जिता दिया, सैम करन ने वो तो हमको आउट कर दिया, नहीं तो अपनी टीम को नाबाद हम जिता करके आते, हमें हार गए और मत हमको खिलाओ और बेंच पे बैठाओ, अगर इसी तरीके से हमको बेंच पे बैठाते रहोगे तुम इसी तरीके से हारते रहोगे, भरुस्का राज बक्सी ने 26 गेंदों में 20 रन बनाए, हम 26 गेंदों में 50 रन बना देते, हमारी टीम जीत जाती, और मत खिलाओ भूटनी का, हमको इसी तरीके से तुम हारते रहोगे, हमें धवन भाई लिमिटेड सही बोल पा रहा है, इसको अगले मैच में खिलाना चाहिए नहीं तो हमारी बल्लेबाजी बिल्कुल फुसम फुस हो जाएगी, अनुष्का राजपक्षे ने जो कल हाल किया है वही अगले मैचों में हाल करेगा, हमारी टीम तो बिल्कुल नल्ले पा हो जाएगी, इसलिए खिला लो धवन भाई, हमें करंगा टू सही बोल पा रहा, लिमिस्टन को खिलाना है अगला मैच में, हमारा नकलऊ से नवाबों की बस्ती में जाकर के हराना है, अपनी हैट्रिक को नहीं करवाना, तीसरा मैच में जीत करके हमको नकलऊ को नकलऊ में घर में घुस करके हराना।